प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा तेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा तेरी हार नहीं होगी, गुरुदेव जब तक तेरा साथ है, गुरुदेव करने की क्या बात है, गुरुदेव जब तक तेरा साथ है, देखिए एक 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 शब्द सुनिएगा। किसी और से क्या मांगूं, तेरी है कृपा मुझ पर, जीवन की हर चिंता मैंने छोड़ दी है तुम पर, किसी और से क्या मांगूं, तेरी कृपा है मुझ पर, जीवन की हर चिंता मैंने छोड़ दी है तुम पर। और दीदी आप मुंबई चले जाना, विदेश चले जाना, लेकिन ये विश्वास है कि जिस पर गुरुदेव की कृपा हो गई ना, क्योंकि मैं गुरुदेव से नहीं मिला था, लेकिन जब से मुजफ्फरनगर मिला उसके बाद मेरा मुझे तो प्यार हो गया गुरुजी से। क्या हो गया? प्यार। तो गुरुजी, गुरुजी केवल तीन शब्द बोलूंगा कि आई लव यू, इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी। तो कहना है मैं लड़े खड़ाया तो भैया बिल्कुल मीठा मीठा, मैं लड़ खड़ाया तो तुम ही बचाओगे, रास्ता दिखलाओगे चलना सिखलाओगे, मैं लड़ खड़ाया तो तुम ही बचाओगे, रास्ता दिखलाओगे चलना सिखलाओगे, क्योंकि गुरुदेव हार मेरी तुमको स्वीकार नहीं होगी, ये हार मेरी तुमको स्वीकार नहीं होगी, पूरा है तू मेरे साथ है, बोलो गुरुदेव डरने की क्या बात है, गुरुदेव जब तू मेरे साथ है, गुरुदेव डरने की क्या बात है। और भैया अगली पंक्ति सुनिएगा, गुरुदीप सागर जी भक्ति तेरी करके एक दिन हो जाऊंगा मैं पार भव जल से, गुरुदीप सागर जी भक्ति तेरी करके मैं पार हो जाऊंगा भव जल से, तुमसे खिवैया ने जब थाम ली पतवार, कोई डर नहीं मुझको चल आधी आ हजार, क्योंकि मुझे विश्वास है नैया मेरी गुरुवर मझधार नहीं होगी, नैया मेरी गुरुवर मझधार नहीं होगी, पूरा है भरोसा
मेरी हार नहीं होगी। देखो जब गुरु होते हैं ना जिंदगी में तो उनकी अहमियत हमें पता नहीं होती है। जब कोई हमारे जीवन से बहुत दूर चला जाता है ना तब उसकी अहमियत पता चलती है। मैं याद करना चाहूंगा इस क्षण में गुरुदेव आज गुजरात संत केशरी आचार्य भरत सागर उनके लिए क्या बोलूं मैं तो बस इतना सा कहता हूं कि वो तो चले गए लेकिन इस कंठ से अगर कोई गाता है ना वो आचार्य भरत सागर इस कंठ में बैठे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो नालायक था, मुझे तो गुरुदेव ने लायक बना दिया। और ऐसे गुरु का सानिध्य जब मिलता है ना तो मुझे किसी का डर नहीं होता। लोग बोले अभी कोरोना है भैया कहाँ जा रहे हो प्रोग्राम करने, मैंने गुरुजी को फोन किया, हकीकत बता रहा हूँ, माता सामने है। मैंने बोला गुरुजी एयरपोर्ट पर रिपोर्ट मांग रहे हैं और इंदौर में तो 90% पॉजिटिव ही आती है सबकी, मतलब मैं मेरा कैसे करूंगा। तो गुरुदेव बोले तू तो माता रानी का नाम ले और सब जगह चले जाओ, इधर आ जा। और आज भी मेरे बैग में वो नेगेटिव रिपोर्ट रखी है। हमारे पूरी मल्टी में 32 फ्लैट्स हैं, 28 फ्लैट्स को कोरोना है, कितने 28 फ्लैट्स वालों को कोरोना है, लेकिन माता रानी का ऐसा आशीर्वाद है कि देखो आज मयूर जैन आपके सामने खड़ा है। बोले दीप सागर जी गुरुदेव की जय हो। गुरु दी हो गुरुदेव, केवल एक बात कहना चाहूंगा आदरणीय प्रवीण भैया, नवीन भैया, एक एक शब्द आप आओ मेरे पास। देखो आपने बड़े बड़े कलाकारों को सुना है, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ। मैं कभी मयूर जैन की एक आदत है ना कभी लिफाफा के लिए गाता है ना कभी मंच के लिए गाता है। आप मुझे बाहर चल के भी सुनोगे ना ऐसे ही गाऊंगा। तो ये केवल माता रानी को दिल से बुलाओ वो दौड़ी दौड़ी चली आती है। और सबसे सौभाग्य की बात कि जब बेटा गा रहा हो और बाप की आंख में अगर आंसू आ जाए ना तो आपका गाना लिखना सब सार्थक हो जाता है। तो इतनी सी बात है। ओ तुमसे मिलना, ओ तुमसे गुरु मिलना, देखो अगर बाप की आंख में आंसू आ जाए तो बेटे का दिल तो छोटा सा ही होता है। तो इतनी सी बात कहूंगा गुरुदेव तुमसे गुरु मिलना, तुमसे गुरु मिलना सौभाग्य है जीवन का, सार्थक हुआ मानो मिलना इस नर्तन का, तुमसे गुरु मिलना सौभाग्य है जीवन का, सार्थक हुआ गानो मिलना इस नर्तन का, मुक्ति का वर मुझको तुमसे होगा हासिल, रहता तुम्हें दोगे रसता तुम्हें दोगे तोगे तुम्ही मंजिल। और गुरुदेव आज एक वादा करके जा रहा हूं मैं आपको, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होगी, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। गुरुदेव कब तू मेरे साथ है, गुरुदेव करने की क्या बात है, गुरुदेव कब तू मेरे साथ है, कहना है ओ, ये जीवन मेरा ठोके रो में गुजरता, ये जीवन मेरा ठोके रो में गुजरता, गली गली घूमता मैं जीता न मरता, तूने अगर बेटा कह के पुकारा न होता
मेरी जिंदगी का गुजारा न होता, मेरी जिंदगी का गुजारा न होता। समय की लहर में हम डूब जाते, समय की लहर में हम डूब जाते, किसी को क्या खुद को नजर ही न आते। तूने अगर मुझको गुरुवर संभाला न होता, मेरी जिंदगी का गुजारा न होता, मेरी जिंदगी का।